जो टाइम है वो बिलिंग करने लगा, उसके बाद में हमारी घड़ी में 4:05 हो रहे हैं, तो उसको अपन सेट करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आज हम करेंगे टाइम सेट, और हमारे पास है होंडा SP 125, आप देख पा रहे होंगे BS6 बाइक। तो इस बाइक का दोस्तों टाइम सेट किस तरह से किया जाता है, जो टाइम सेट करने का सही तरीका होता है। तो दोस्तों इसमें टाइम सेट करने के लिए दो बटन दिए होते हैं, एक लेफ्ट साइड में सेल रहता है और राइट साइड में दोस्तों इसका सेट बटन रहता है। तो पहले इसमें दोस्तों ये ट्रिप ए पे है, इसको सेल के बटन से हमें टोटल करना होगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे ट्रिप भी आ गई है, फिर से हम इसको दबाएंगे, ये किलोमीटर का आ गया है। उसके बाद में एवरेज जो अपनी बाइक है कितना एवरेज निकाल रही है, इस टाइम 69.6 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। और दोबारा से इसको सेल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये रेंज आएगी, यानी कि जो अपनी बाइक है 95 स्पीड में, टॉप स्पीड में अभी तक भगा रखी है। उसके बाद में दोबारा से इसका बटन दबाएंगे और ये यहाँ पर टोटल लिखा आ जाएगा, जो अपनी बाइक है टोटल कितनी किलोमीटर चल गई है, सारी जानकारी आपको बाइक देगी। इसके दो बटन होते हैं, सेट और सेल, ये दोनों बटन हमें एक साथ दबाने, कुछ इस तरह से ये दोनों बटन हमें दबाने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, दबाओ जल्दी, दबाओ जल्दी, दबाओ फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया घंटी में दबा दे। और ये आप देखिएगा यहाँ पे इको का जो ये लाइट थी ये बिलिंग करने लगी है, और यहाँ पर उसके बाद में जो सेल का बटन है इसको एक बार हम प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगी, तो इसको आपको ऑन ही रखना है कुछ इस तरह से। और जो सेट का बटन है इसको एक बार आप दबाएंगे तो ये देखिएगा जो टाइम है वो बिलिंग करने लगा, उसके बाद में हमारी घड़ी में 4:05 हो रहे हैं, तो उसको अपन सेट करेंगे। जो सेल का बटन है इसको एक एक बार दबाएंगे कुछ इस तरह से, पहले हम लगा लेते हैं इसमें 4, देखिए दोस्तों 4:04 हो रहे हैं। उसके बाद में इसका जो सेट का बटन है इसको प्रेस करेंगे एक बार, ये यहाँ पर मिनट जो है वो बिलिंग करने लगे, उसके बाद में हमें 4:05 पर सेट करना था, तो एक बार जो सेल का बटन है इसको दबाएंगे और 4:05 हो गए। उसके बाद में जो अपना सेट का बटन है, उसके बाद में दोस्तों जो अपना सेट का बटन है इसको दबाएंगे और जो अपना टाइम था वो परफेक्ट सेट हो गया है। एक बार इसको चेक करते हैं, इग्निशन ऑफ करते हैं और दोबारा से इग्निशन ऑन करते हैं, देखते हैं टाइम सेट हुआ या नहीं। तो देखिएगा दोस्तों जो अपना टाइम था 4:05 हो गए हैं, तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी बाइक का टाइम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।